खन्ना पुलिस ने एक अजिहे व्यक्ति नूं हथियारां समेत काबू करन दा दावा कीता है जिसने हथियारां दे बल ते नजायज माइनिंग अते लुट दी वारदातां नूं अंजाम दिता सी। फड़े गए आरोपी उते कतल अते लुट दे मामले दर्ज हन। फड़े गए आरोपी तों 2 पिस्टल 32 बोर, 2 पिस्टल 315 बोर अते 2 मैगजीन, 12 जिंदा रौंद, 1 कार बरामद कीती गई है। इस संबंध विच जानकारी दिंदे होए खन्ना दे SSP गुरशरणदीप सिंह गरेवाल ने होर की कहा, आओ सुनते हाँ। अज प्रेस कॉन्फ्रेंस सानू इनफोर्समेंट डायरेक्टर है साढ़े श्री RN ढोके साहब उन्होंने वालों एक सानू इनफोरमेशन आई सी कि राहों दे कोल जी इलीगल माइनिंग हो रही है, वो भी कुछ लोग इलीगल माइनिंग करा रहे हैं तो लोगों अपने हथियारों नाल डरा के उत्थे माइनिंग हो रही हैगी है। वो इनफोरमेशन आई सी, इनफोरमेशन के उत्ते असी क्विक एक्शन करते हुए उत्थे एक बंदे नू फड़िया, गुरविंदर सिंह गिंदा जी का नाम हैगा, पौले का रहने वाला हैगा, तो उसके कोल असी 4 वैपन कवर किए। यूज़ कितना करता सी वैपन? वो देखो वो अपने ऐसे मसलमैन यूज़ हो रहा सीगा, उत्थे लोगों डरा धमका के अपने उतों उन्होंने फरौती भी ले रहा सी, माइनिंग भी कर रहा सी। वो लोगों अपनी जिहड़ी सीगी उहदे 3-4 ग्रुप दा बनाया ग्रुप बनाया सीगा, तो उत्थे रात नूं जा के लोगों डरा धमका के उतों माइनिंग करवाते सीगे। जिहड़ी गुरविंदर गिंदे की जिहड़ी हैगी है जिहड़ी पुछगिछ हैगी है उहदे विच आया कि बड़ा नामी अपराधी हैगा। इहदे ते एक गुजरात के 2019 के इन्हें एक मर्डर किया, हाई प्रोफाइल मर्डर किया, भगौड़ा सीगा। उहदे बाद आह मर्डर करके मलेशिया चला गया, मलेशिया तो आह डिपोर्ट हो गया। डिपोर्ट होने के बाद आ पहला इहदे कोले आह निहंग दा इन्हें अपना बाना रखा हुआ सीगा। उहदे बाद इन्हें अपने बाल कटा ले, बाल कटाने के बाद रूपोश हो गया। रूपोश होने के बाद कुछ गैंगस्टर्स है जो कि सोनू रोड मजारा है वो लिंक के आया। एक इन्हें अपने दसिया जी अपनी पुछगिछ के इन्हें लाडोवाल के कोल एक अपने एक गड्डी सी इन्हें स्नैच की। बाद हम प्लैन बना रहे थे कि उन्होंने कोई NRI सी कपल हैगा उन्होंने लुटन का प्लैन बनाया जिहड़ा कि इन फड़ के वो जो प्लैन हैगा असी रोक लिया। जी बहुत वड्डी वारदात होनी सी उस तो असी बचा लिया गया। दूजी जी बंदा हैगा ये काफ़ी UP ते MP के लोगों लिंक है जिस आह इलीगल वैपन का काम करते हैं। नहीं अज तक जेल नहीं गया, 302 का मसला है जो तुम दसिया भगौड़ा हैगा। अलावा भी आह बंदा जोड़ा है ये जो तुम दसिया सोनू रोड मजारा हैगा उनका लिंक है तो मिल के इन्होंने वारदात अंजाम देने से जो कि हम आह फड़िया गया है। डेफिनेटली जी हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के आई गल आई है वो सू लगता कि जी होर जी अपने जी असं रिमांड लैके जी इन्वेस्टिगेशन करा सूँ होर भी वैपन मिलने की आस हैगी है। हाँ गड्डी तुम दसिया है कि एक मसला यदा दर्ज हैगा ये जोड़ा कि इन्हें लाडोवाल के कोल एक आर्टिका गड्डी सी वो इन्होंने खोई सी वो मसला इतने दर्ज हैगा। एक इन्होंने गोली भी चलाई सी अपने गढ़शंकर के कोल, तो दूजा जो तुम दसी है गल जी कि एक NRI जो कपल हैगा उन्होंने लुटन की आह इन्होंने प्लैन बनाया जो कि नाकाम किया गया। हाँ जी 4 पिस्टल नजायज है। रिमांड तो हम लैके जावे, रिमांड मिलेगा पुलिस रिमांड लैके आवेंगे अभी तो रिमांड के अभी होर इंटेरोगेशन होर खुलासे होने के चांसिस है। हूँ तो ये असला एक्ट के नाल इधर जी कि माइनिंग सी 379 नाल जी चोरी की हैगी है वो लाया गया। समराला तो लखविंदर कतरी की रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक के इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है,
पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगान नाल मैं मार्केट चुन बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।